प्रातः क्लास चल रहा था 15 दिसंबर 1967 शुक्रवार को। छठे पेज की तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी। सतगुरु के बारे में सिखों को बहुत ज्ञान दे सकते हो, इसलिए बहुत सिखाते हैं। और बाबा भी सिंह के बदले शेर नाम रख देते हैं, तो उनका तो बहुत सहज है। उनका तो जैसे कि वर्णन है, और कोई भी ग्रंथ में इतना वर्णन नहीं है, दूसरे कोई भी शास्त्र में नहीं है। तो ये जो है वेद या उपनिषद ये वगैरह वगैरह, उनमें कुछ इतनी सारी महिमा नहीं है जितनी समझते हैं। फिर गुरु ग्रंथ साहब में तो महिमा है ना। गुरु नानक के इस ग्रंथ में या उनमें सुखमनी जप साहब में है, क्योंकि अक्षर ही दो बताते हैं। तो ये जप साहब और सुखमणि, ये भी दो अक्षर हैं। साहब को जपेंगे तो सुख मिलेगा। बाबा क्या कहते हैं तुमको, हे बच्चों साहब को जपो अर्थात याद करो, अजपा जाप। तो जप साहब हुआ ना, सुखमनी तो देखो तुमको 21 जन्म के लिए सुख मिलेगा। अरे सारी बात कितनी सहज करके देते हैं। तुम ये बात सिख को भी समझे जो यहां आवे, यहां के पत्ते होंगे तो समझेंगे, नहीं तो किसी की बुद्धि में बैठेगा नहीं। इसमें कुछ मुझना नहीं है, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो बाबा समझाए देते हैं। जो जो भी यहां के ट्रांसफर हो गए हैं दूसरे धर्मों में, तो उनमें कितने सिख बने होंगे। ढेर के ढेर सिख बने हैं। ऐसे नहीं कि सिख कोई आकर के हिंदू बने हैं। तुम ये कभी नहीं सुनेंगे। जैसे और विधर्मी जो पक्के होते हैं, वो अपने धर्म के धर्म ग्रंथ के धर्म पिता के पक्के होते हैं। दूसरा धर्म नहीं ले सकते। और ये हिंदू जाकर के सिख बने। क्योंकि धर्म की ग्लानि तो इनकी हो पड़ी है ना, किनकी, हिंदू धर्म वालों की।
तो कोई भी तुम देखेंगे क्रिश्चियन हो तो वो पक्के जो क्रिश्चियन होंगे अपने धर्म के वो हिंदू नहीं बनेंगे। हाँ वो तो कोई शादीवादी होती है कि उनमें वो लाचारी होकर के फंस मरते हैं। नहीं तो कभी भी हिंदुइज्म तो है ही नहीं ना। तो हिंदू कोई भी नहीं बनेंगे बिल्कुल जो अपने धर्म के पक्के होंगे विधर्मियों में। अब उनको क्या समझाइएगा बेचारे को। हिंदू को क्या देखो हिंदू 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 तो हिंदू है क्या सीखता है। किसको भी कुछ भी पता नहीं है। ये टोटके तुम कहां से भी निकाल सकते हो और शास्त्रों में से भी निकाल सकते हो किसी को समझाने के लिए। तो बाबा भी समझाते हैं कि देखो इतना खर्च करते हैं किसके लिए करते हैं ये रास्ता बताने के लिए। तो हम खर्चा करते हैं ना रास्ता बताने के लिए। नहीं तो कोई ये चित्र वित्र वगैरह कोई किसके पास है थोड़े ही बच्चे। वो तो जा करके शास्त्र भी सुनते हैं और यहां तो हम जैसे स्कूल में चित्रों के ऊपर समझाया जाता है कोई ये हाथी है घोड़ा है गधा है फलाना है तो स्कूल में समझाया जाता है ना बच्चों को। तो ऐसे इनको भी समझाया जाता है कि बच्चे तुम तो वास्तव में असल में आत्मा ही हो देह नहीं हो। देह तो आज है कल खलास। पीछे तुम भिन्न भिन्न धर्मों में आते हो तुम आत्मा आते हो ना भिन्न भिन्न धर्मों में। तो वो इसीलिए धर्म का भी झाड़ है। ये झाड़ क्यों निकालते हैं। अरे कब आते हो फिर किस धर्म में कब आते हो। तो तुम बच्चों को सभी मालूम है और दूसरा कोई मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। पता है नहीं कि क्राइस्ट कब आते हैं झाड़ में। भले कहे कि क्राइस्ट 2000 वर्ष में फलाना किया था टीरा किया था परंतु उनको क्या उसमें कोई ताकत ही नहीं थी जो उन विचारों को विचारे को क्रॉस पर चढ़ा दिया। तो बाप ने बताया था ना बच्चे कि आत्मा जो आती है नई उसको थोड़े ही कोई कर्म भोगना पड़ता है उसको कोई थोड़े ही क्रास पर चढ़ाया गया।
तो पावरफुल आत्मा है, जब चाहे प्रवेश करे या जब चाहे निकल जाए। तो उनका कोई विकर्म थोड़ा ही होता है जो दंड भोगे। कृष्ण और ये क्राइस्ट ने आकर के कोई विकर्म थोड़े किया जो इनको इतनी सजा मिली। मिली है क्या? नहीं, ये तो जीसस को मिली, क्योंकि जीसस ही तो उस नई आत्मा का आधार मूर्त है ना। क्योंकि पहले तो वो सतो प्रधान आते हैं ना, क्राइस्ट। तो देखो, उन मनुष्यों को उस समय मालूम नहीं रहता है कि इस आत्मा ने आकर के कोई में प्रवेश किया है। तो उनको चढ़ाते हैं, कोई क्राइस्ट को थोड़े ही चढ़ाते हैं सूली पर। बस वो क्राइस्ट तो फिर जा करके दूसरा जन्म ले लेते हैं। और बाद में फिर कोई जन्म में कोई न कोई बड़ा ही पद पाते। जैसे पोप, तो पोप तो चले आए हैं ना। तो पहला पोप कौन बना होगा? है? अरे, कोई बना होगा कि नहीं पहले? कौन कौन सी आत्मा? अरे, क्राइस्ट की ही बनी होगी ना। हाँ, तुम देखा था पोपों की ये चित्र सभी देखे। और ये पोपों के चित्र छपे हुए हैं, मैं समझता हूं शायद यहां भी होगा। यहां है बच्चे? किसी ने कहा हाँ जी है। अच्छा है, यहां सभी पोप कितने कितना वर्ष में पोप पना किया। तो कोई ने तो बहुत बरस भी पोप बने हैं, और कोई तो सिर्फ 5-10 रोज के लिए बने शायद, क्योंकि उनकी बीच में ही अकाली मौत हो गई। तो इन पोपों की बड़ी लिस्ट है। कितनी लिस्ट है बच्ची? भले 1250, 1200 वर्ष हुए हैं, परंतु ये तो कोई 50-60 बने हैं। क्या क्या बने? पोप बने, मैं समझता हूं ऐसे। तो किसी ने कहा ज्यादा है बाबा, ज्यादा है। भाई ने कहा 100 से भी ज्यादा है। 100 इससे भी जास्ती है।
क्योंकि मरते गए हैं ना, और ये बैठते भी पीछे हैं, इनको बिठाया जाता है। एक खलास होते हैं तो दूसरे को बिठाया जाता है, जैसे कि यहां भारत में शंकराचार्य को। अब देखो, कोई शंकराचार्य, कोई इनके इनके वो शागिर्द, शागिर्द नहीं थे, वो चेला बेला नहीं थे, नहीं, वो तो और ही थे, पढ़ा हुआ था, तो उनको आकर के उनका कोई गद्दी नशीन ऐसा लायक नहीं देखा, तो फिर उनको आकर के बिठाया। ये कृष्णा, ये शंकराचार्य, ये अंग्रेजी में होशियार है, पढ़ा हुआ है बहुत, तो इनको भी बिठा दिया है गद्दी पर। तो देखो, बिठाए दिया है तो वो तो नशा रहता है ना गुरु बने का, देखो पॉलिटिकल में गिर पड़ते हैं, तो गुरुपणे का नशा नहीं रहता। ऐसे करके ले जाते हैं ना, खाली ले जाते ना, या तो कुछ, और तुम जाते हो तो अपनी भरपूर हो करके जाती हो, क्योंकि बाप तुमको भरपूर कर देते हैं, तो सो तो तुम जानते हो, भरपूर बनने के लिए तो यहां आते हो ना, स्कूल में पढ़ते हैं भरपूर बनने के लिए, और तुमको बाप पढ़ाते हैं तो कितना भरपूर बनते हो, ऊंचते ऊंच बाप है ना, सो तो तुम जानते हो ना बच्चे, और ये भी जानते हो कि जितने कलप पहले आए हैं पढ़ने के लिए, वो ही सब आएंगे। किसी थोड़ा भी पढ़ेंगे, जरा सा भी पढ़ेंगे, थोड़ा भी सुनेंगे तो भी आएंगे, है ना? तो सारा मदार नंबर वार पढ़ाई पर है ना? सब तो इकट्ठे हम देख भी नहीं सकते, देख ही नहीं सकेंगे बच्चे, नहीं, ये तुम उनको सिखाएंगे और वो बाप को याद करेंगे। वो वहीं रहेंगे, बाबा भी नहीं देखेंगे उनको। अरे बाबा सबको थोड़े ही देखेंगे, प्रजा कोई आती थोड़ी ही है, बाबा तो राजयोग सिखाते हैं, तो बहुत बहुत तुम प्रजा बनाते हो। अभी देखो, ये प्रदर्शनी होती है तो ये कितनों को तुम बैठ करके
निकालती रहेंगी ना। क्या निकालती रहेंगे? प्रजा निकालेंगे प्रदर्शनी में या वारसदार? प्रजापद में आने वाले आते रहेंगे, तो प्रजा भी तो बन दी जाएगी ना। थोड़ा सुनेगी तो भी तो बनती जाएगी ना। तो ये तो तुमको तो करोड़ों की अंदाज में बनाना है। क्या, राजा या प्रजा? प्रजा बनानी है, आ नहीं ना तो बनानी है। तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे, और वहां कोई गिनती थोड़ी की जाती है। ये गिनती तो यहां होती है मनुष्यों की, और वहां नई दुनिया में तो ये ख्यालात भी नहीं रहता है गिनती का। वो तो अपने मुख से ही है और बहुत सुख में रहते हैं, एकदम मौज में, बहुत खुशी में रहते हैं। तो गिनती विनती का वहां क्या? तो ये भी तो शास्त्रों में लिख दिया है, अगड़म बगड़म भाई 33 करोड़ देवी देवता थे। है, तैतीस करोड़ देवी देवता नहीं थे? है, थे। अरे स्वर्ग में 33 करोड़ कहां से हो जाएंगे? बताया था ना, त्रेता के अंत तक 8-10 करोड़ होते हैं, फिर तो स्वर्ग की दुनिया ही खलास हो जाती। बाद में फिर बीस बाईस 23 करोड़ द्वापर कलयुग में देवी देवता सनातन धर्म को मानने वाली आत्माएं वो ऐड होती रहती है। अभी 33 करोड़ देवी देवता थे तो क्या उनको लाखों वर्ष लगी क्या? क्रिश्चियन के देखो कितने करोड़ हैं, है 200-250 करोड़ तो हो जाएंगे, अभी भी होंगे 200-250 करोड़, हो सकता है। तो कितना वर्ष लगा? है 2000 वर्ष। तो 33 करोड़ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई ना। वो तो पदम बन जावेंगे अगर सृष्टि की आयु लाखों बरस हो तो। अगर सतयुग को इतनी बड़ी आयु देवे तो फिर पदम बनने वाले अनगिनत एकदम हो जावेंगे। नहीं, हाँ, कोई लाखों वर्ष, और कितना भी कोई कहे कि 40,000 वर्ष हैं कलयुग को, है तो इसे 40,000 वर्ष में भी ये 2 करोड़ ये करोड़ों हो जावे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होती रहती है ना।
अभी अगर अगर हैं इतने तो ये डबल हो जाएगा, फिर कुछ समय के अंदर डबल हो जाएगा ना, तो इसका भी हिसाब है। और कोई हिसाब करे तो बोलेगा इतने बरस में अभी 500 करोड़ है ना, इतने समय में 10 500 करोड़ नहीं 1000 करोड़ हो जाएंगे, और बहुत थोड़े जल्दी थोड़े ही समय में हो जाएंगे। तो देखो अभी जगह कहाँ है, इतनी अन्न कहाँ है, कुछ मिलता थोड़े ही है जो खाएंगे बेचारे। तो तुम बच्चों को ये सभी ज्ञान बुद्धि में बैठता है, विचार सागर मंथन होता रहता है। क्यों होता रहता है? क्योंकि तुम बच्चे विचार सागर मंथन इसलिए करते रहते हो कि सर्विस पर बैठे हो, जितनी दूसरों को सर्विस करेंगे समझाएंगे उतना अपना विचार सागर मंथन जरूर चलेगा। ओम शांति। 6 तारीख हो गई, 6 है, 6 तारीख हो गई।